नेशनल अवार्ड के बाद, मतलब नेशनल अवार्ड और उसके बाद ये उनकी पहली हमारे अवार्ड में एक अपीयरेंस है। मैं बहुत खुश हूँ जी। मैं बहुत लेट तो नहीं आई हूँ? थोड़ा लेट हुआ है, चले कोई नहीं। हाँ सॉरी, कुड यू रिपीट? 73 years जी। बाप रे, 73 years जी। आई जस्ट वांट टू से दैट्स अमेजिंग, यू आर ऑलमोस्ट लाइक हिटिंग 75, वेरी वेरी क्लोज टू इट। 73 इज ह्यूमंगस एंड नवभारत टाइम्स तो खैर भारत का बहुत ही सबसे नोन लीडिंग नंबर वन और कुछ जी रहा है। एंड इट इज इट्स एन ऑनर टू बी हियर, इट्स एन ऑनर टू बी अवॉर्डेड बाय द लीडिंग नंबर वन एंड या दैट्स इट। आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड मेनी 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 मोर अमेजिंग इयर्स टू कम। मैं ये कहूँगी कि ये बोलते हैं ना स्वनिर्मित, हमने इनके इंट्रोडक्शन में भी लिखा है, स्वनिर्मित का मतलब था सेल्फ मेड। और नेशनल अवार्ड के बाद, मतलब नेशनल अवार्ड और उसके बाद ये उनकी पहली हमारे अवार्ड में एक अपीयरेंस है। लेकिन आई एम ग्लैड कि हम नेशनल अवार्ड से पहले ही उन्हें चुन चुके थे और वो है वुमेन ऑफ द ईयर, मतलब वुमेन ऑफ द ईयर। बहुत अच्छा लगता है, एक कमेंडेबल जर्नी है जैसे वो शुरू करती हैं और फिर एक मुद्दे वाली फिल्म ले आती हैं, मनोरंजन और बोलते हैं ना एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, उसमें तो वो खरी उतरती हैं। लेकिन जब अपनी अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाती हैं तो जैसे कैसे चांद चमक उठता है वैसे चमक उठती है। बट थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मुझे मोटिवेट किया है एंड इट रियली मींस अ लॉट। बिल्कुल, क्योंकि आप अपने बलबूते पे आई हैं, आप हमारा अंश हैं। थैंक यू, आइए जी स्वागत। इमोशनल कर दिया उन्होंने। थैंक यू, या आई नो शी इज ऑलवेज लवली। थैंक यू थैंक यू। आई एम चलो आ जाओ आ जाओ।